हेलो, कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी समय हो रहा है सुबह के 8:30-9 हो रहे हैं, और आज मैं जा रही हूँ कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए। तो उसी के लिए तैयार हुई हूँ और अभी नाश्ता कर रही हूँ। फ्राई चावल, चावल छौंक के बना के सुबह सुबह इतनी भूख भी नहीं होती है। फिर मैं तो वैसे भी नाश्ता बहुत लेट करती हूँ, तो मुझे आदत भी नहीं है सुबह सुबह खाने की। तो आप लोग भी खा लीजिए, और फिर अभी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। कचड़ी वाला आ गया था तो इसीलिए जाना पड़ा था। और कपड़ों को मेरे को इग्नोर करना, पूरे घर में कपड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी कई दिन से मौसम काफ़ी ख़राब है, तो कपड़े सूख नहीं रहे बारिश की वजह से। तो इसी वजह से मैंने इधर उधर लटका रखे हैं। आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, अभी मुझे थोड़ी जल्दी हो रही है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। फिर मैं आपसे आने के बाद मिलूँगी, क्या होता है क्या नहीं। बस अभी नाश्ता मेरा हो गया, और सुबह सुबह उतना भूख तो नहीं थी, लेकिन वैक्सीन है ना, खाली पेट नहीं लगवानी चाहिए, तो इस वजह से। और जी, मैंने पिछली बार ये सूट पहना था तो इसको कमेंट आया था कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, ये ना मैंने अपने आप खुद से सिला है ये सूट, कपड़ा लेके। बाहर का मौसम पूरा रिमझिम रिमझिम लग रही है, बारिश हो रही है, इसीलिए आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए। तो फिर कहाँ सुखाती है, अभी तो मैं जा रही हूँ। तो और ये भर लिया है पानी का बोतल, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं साथ में। ये देखिए, ये हो गई दोनों तैयार। खाने के लिए लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग वहाँ परेशान करके रख देंगे, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। जैसे मुझे अपना ये पर्स लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए कुछ छोटे छोटे सामान लेके जाने पड़ेंगे उधर। हेलो, और अभी आ चुके हैं वैक्सीन लगवा के, और अभी टाइम हो चुका है 2:45 हो रहा है। और आ तो गए थे 1:30-2 के समथिंग, लेकिन क्या था ना, फिर थोड़ा सा आराम करने बैठ गए थे। देखिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पता चलेगा अभी क्या हुआ। और ये देखिए, किचन ना मेरा बिल्कुल क्लीन पड़ा है। जल्दी जल्दी मैं गई थी 9 बजे, लेकिन पूरा साफ करके गई थी मैं। ये जो सुबह में खा के गए थे वही सब खाया था, फिर कुछ नहीं बना। बच्चे खा नहीं रहे थे, ये घर पे नहीं थे, तो फिर मैं भी थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गई। और अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो किस किस को पसंद है और किस किस को खाना है, तो जल्दी से आ जाइए। और बस यहाँ पे भूंडे रही हूँ सूजी, और ये तो मुझे लग रहा है कि सबको ही आता होगा, इससे सिंपल रेसिपी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सूजी ली है और उसको 1-2 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लिया। उसके बाद इसमें घी डाल दिया, और घी डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। और मुझे लगता है कि इससे आसान कोई रेसिपी नहीं होती होगी, जल्दी और झटपट बनने वाली। तो फिर बस इसमें जब अच्छे से भून गई है, तो मैं पानी डाल दूँगी, और पानी डाल के इसको अच्छे से उबलने देंगे। और आप जितना थिक रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, मैं तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइट करूँगी, कुछ लोगों को ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। तो बस ये एक कटोरी मैंने चीनी लिया है इसमें डालने के लिए, और थोड़ा सा काजू और किशमिश डाल दूँगी इसमें, जिससे कि इसका लुक और अच्छा लगेगा देखने में। और फिर अभी ना टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था, तो खाना बनाने का मन भी नहीं था, 3 बज गए थे, फिर शाम को क्या खाना खा पाती, इसीलिए मैंने और नहीं बनाया। तो फिर अब मैंने सोचा चलिए आज कुछ हलवा वगैरह बना लेते हैं। ये देखिए बनके और तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा सा मैंने इस पर जो सूखा वाला नारियल होता है वो घिस के डाल दिया है, और बस इसको जमने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, इसकी बर्फ़ी जैसी जम गई है, और इसको काट के अभी हम रुक जा रहे हैं खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए फटाफट से। और ये यहाँ पे फिर अभी हो गया है शाम का टाइम, मतलब जब तो 3 बज रहे थे मैं आपसे बात कर रही थी, फिर उसके बाद खाए पिए थोड़ा सा आराम करने बैठ गए ऐसे ही, क्यों कहीं जाइए तो फिर ऐसे हो ही जाता है। सुबह 9 बजे जल्दी जल्दी मैं निकली थी सब काम को करके, फिर 2 बजे तक घर आए, तो ये वही दोपहर के जो हलवा वगैरह बनाया था उसके बर्तन हैं, फिर दूध वगैरह चाय के बर्तन तो हो ही जाते हैं दुनिया भर के, कितना भी कीजिए। तो बस अभी सारे बर्तन मैं धो लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट ही टाइम हो गया है आज। अभी आपको बाहर में बिल्कुल अंधेरा दिख रहा होगा ना, रात ही जैसे होने वाली है, इसी के बर्तन वर्तन धोने के बाद तुरंत मैं अभी सब्जी वगैरह काटूँगी, रोटी, खाना तो बनाना है। देखिए, तबीयत कैसी भी हो लेकिन काम तो करना ही होता है ना, और ये मेरी बात नहीं है, ये तो हर औरत का ही है कि घर में तो काम करना ही पड़ता है। वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हल्की सी थोड़ी सी, एक तो हाथ दर्द कर रहा है ना वैक्सीन की वजह से, और आज के दिन तो उतनी तबीयत नहीं ख़राब थी, लेकिन सेकेंड डे हल्की सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पूरा बदन दर्द कर रहा था, पूरा शरीर दर्द कर रहा था,
तो फिर मुझे एक पैरासीटामोल की टेबलेट लेनी पड़ी थी। इसी वजह से वीडियो वैसे तो कल आपके पास जाना था, लेकिन नहीं, उसे नेक्स्ट डे जाएगा, तीसरे दिन जा रहा है, क्योंकि फिर दूसरे दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कुछ नहीं किया था। काफ़ी लेट काम हो गया था, 12:30 बजे तो मैं नहाई थी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, ठंड लग रही थी, नहाने में भी पता नहीं क्यों पानी को देख के बहुत ज़्यादा ठंड ठंड लग रही थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से देखी, मैं बर्तन सारे धो लेती हूँ, और बर्तन मेरे यहाँ पे पूरे धुल चुके हैं, तो बस अभी मैं काट लेती हूँ यहाँ पे सब्ज़ी, तो रात के खाने की कर लेती हूँ तैयारी, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, दिन में आज खाना बन ही नहीं पाया है किसी भी टाइम, क्योंकि सुबह सुबह फिर उतना जल्दी भूख नहीं थी, फिर आके हलवा बना लिया, तो इस वजह से। तो अभी मेरे पास यहाँ पर पत्ता गोभी रखी थी, बस अभी आधी मैं एक दिन बना चुकी थी, काफ़ी बड़ी थी इसीलिए, और आधी फिर मैं आज बना रही हूँ, तो इसी को काट लेती हूँ फटाफट से और फिर झोंक दूँगी, और सिंपल सा खाना हो जाएगा, सब्जी रोटी, ज़्यादा तो कुछ है समय फिर अभी नहीं बनाने वाली हूँ, बस सब्जी और रोटी, यही सिंपल सा हो जाएगा हम लोगों का। और दिन तो आज थोड़ा सा घूमते फिरते ही निकला, और वो ना टाइम लगा था, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा सा हमें दूर जाना पड़ा था, काफ़ी कितना ज़्यादा तो मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ 15-20 किलोमीटर शायद होगा, तो इसी वजह से इतना टाइम लग गया था, 9 से और लौटने में 2 बज गए थे। लेकिन ये भी देखिए ज़रूरी था वैक्सीन लगवाना भी, और जिन लोगों ने नहीं लगवाई तो आप लोग भी लगवा लीजिए, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो बस यहाँ पे अभी मैं छोंक दे रही हूँ सब्जी, वही सब सिंपल जो होती है, डाल दिया है जीरा और प्याज लहसुन हरी मिर्ची टमाटर दिए सब डाल के, और बस इसको अच्छे से मैं इसको छोंक को पकने दूंगी। इसमें वही जो मैं डेली यूज में जो मसाले डालती हूँ, हल्दी नमक मिर्ची, सिंपल ही मसाले डालती हूँ मैं, कभी गर्म मसाला भी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि इनको गर्म मसाला खाना पसंद नहीं है सब्ज़ी में, इस वजह से। जब छोंक अच्छी तरह से पक गया है तो मैं इसमें अपनी जो आलू और गोभी काट के रखी थी उसको डाल दूँगी, और इसमें मैं पानी नहीं करूँगी, क्योंकि ये आराम से पक जाएगी, क्योंकि पत्ता गोभी है काफ़ी पानी छोड़ती है, इस वजह से। देखिए यहाँ पे अभी लगभग मेरी सब्जी लगभग पक के तैयार हो चुकी है, तो बस इसमें अभी थोड़ी सी धनिया पत्ती रखी थी मेरे पास, तो वही देखिए आलू भी अच्छे से गल गई है, अच्छे से बन जाती है, मीडियम फ्लेम बनाइए तो अच्छे से बन जाती है। और बस यहाँ पे अभी देखिए दूध ने निकाल के मैंने इसमें रख दिया, अभी इस दूध को गर्म करना, ये रखा आटा लगा हुआ, तो बस फटाफट से बना लेती हूँ रोटी, तो ये हो जाएगा हमारा शाम का खाना, रात का। और अभी हो चुकी है दूसरी मॉर्निंग, सुबह का है ये, और कल फिर इस वीडियो का कुछ एंड नहीं कर पाई थी, मैं सोची आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ और इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। और अभी टाइम 8:30 का हो चुका है, और आज अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस क्योंकि थोड़ा सा कल लेट भी सोई थी, नींद नहीं आ रही थी, और 12 बज गया था सोने के लिए, तो फिर सुबह लेट से उठी हूँ, और वैसे मुझे तो कोई परेशानी हुई नहीं है। वैक्सीन के बारे में जो अफवाह फैला रखी है, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, और आप में से किस किसने लगवाई है और किसने नहीं लगवाई है तो जाके लगवाइए। बस थोड़ा सा है ना हाथ दर्द कर रहा है, हाथ से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो इसकी वजह से, और कुछ कोई फीवर वगैरह मुझे तो कुछ नहीं आया, तबीयत बिल्कुल ठीक है। और अभी देखिए पूरा घर फैला हुआ पड़ा है, कहीं चले जाइए एक दिन के लिए तो काम तो काफ़ी हो जाता है। और कल जल्दी जल्दी में फिर मैं कपड़े भी नहीं धो पाई थी, और जल्दी क्या मौसम भी ख़राब था, इस वजह से भी कुछ कपड़े नहीं धोए। देखिए बालों की क्या हालत हो रही है, तो आज कपड़े धोने, कल के भी कपड़े हैं, आज के भी हैं, तो ये सब धोने हैं, और भी बाकी के सारे पूरे घर के काम पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने सारे काम करूँगी। और बस अभी बच्चों ने दूध वगैरह पिया है, इनके लिए नाश्ता बना दिया था, आज नाश्ते में कुछ ऐसा खास नहीं, बस मैगी बनाई थी, तो ये अपना खा के जा चुके हैं। और अभी बच्चों के लिए फिर बाद में कुछ बनाऊँगी, क्योंकि इनके साथ तो वैसे भी मैं किसी के लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी बनता है, उतना जल्दी कोई खाता नहीं है, तो बस सिर्फ इन्हीं के लिए सुबह सुबह बनाती हूँ। और देखिए मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब भी देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है, सबसे ज़्यादा कपड़े सूखने की दिक्कत हो रही है, और तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पेंट करूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर ज़रा सा पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से मेरे न्यू ब्लॉग्स आपको डेली मिल सकें।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।